नमस्कार दोस्तों, एज ए ट्रेडर्स की लर्न एंड अर्न की और एक वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं आपको वो और एक बैंक निफ्टी का सेटअप दिखाने वाला हूं, जिससे आप 30 मिनट में ही आप पैसा कमा सकते हो। इससे पहले मैंने आपको सेटअप सीरीज़, ये मेरा यूट्यूब चैनल है एज ए ट्रेडर्स नाम का, जिसमें मैंने सेटअप सीरीज स्टार्ट किया है। इसमें आप जाओगे तो यहाँ पर 3 सेटअप आपको देखने को मिलेगा फ्रेंड्स, जिसमें है स्टॉक का सेटअप, 2 सेटअप है और एक मैंने आगे बताया था आपको निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शन में हर रोज दिन के 2 से 20 हज़ार कैसे कमा सकते हैं, वो एक सेटअप है। और आज मैं एक आपको और एक सेटअप दिखाने वाला हूं। तो कृपा करके अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपा करके सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स फैमिली को फॉलो कीजिए ताकि वो पार्ट टाइम पैसा कमा सके। फ्रेंड्स, मैं आपको सेटअप बताऊँ, इससे पहले एक बैड न्यूज़ ये है कि राकेश झुनझुनवाला का आज निधन हुआ है। 62 साल की उसकी उम्र थी। आपको बता दूं कि उन्होंने कुछ टाइम पहले ही उसने आकाश नाम की एयरलाइन स्टार्ट किया था फ्रेंड्स उन्होंने। और जो लोग शेयर मार्केट के बारे में नेगेटिव सोचते हैं, उनको मेरा ये मैसेज है कि आप यहाँ पर चेक करोगे तो राकेश झुनझुनवाला का 5,000 रुपये से उन्होंने स्टार्टिंग किया था और आज उनकी नेटवर्क करीब 40,000 करोड़ रुपये है। तो जो लोग ये बोलते हैं कि शेयर मार्केट में आप पैसा नहीं कमा सकते हो, उसके लिए ये बेस्ट एग्जांपल है राकेश झुनझुनवाला का। तो मैं राकेश झुनझुनवाला को सलाम करता हूँ फ्रेंड्स और ये बोलता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति दे। फ्रेंड्स, ये सेटअप है बैंक निफ्टी ऑप्शन का, ये बेस्ट सेटअप है बैंक निफ्टी ऑप्शन में। स्टार्टिंग के 30 से 40 मिनट में या मैक्सिमम 10 बजे तक बैंक निफ्टी में पैसे कैसे कमाए, खुद एनालिसिस करना सीख जाओ। फ्रेंड्स, हम लोग दूसरे के भरोसे रहते हैं, लेकिन आपको मैं जो सेटअप बताऊंगा उससे आप खुद एनालिसिस करना भी सीख सकते हो। दिन की शुरुआत में 30 से 40 मिनट या 10 बजे तक कॉल ले या फूट ले, इसमें ये बताया जाएगा फ्रेंड्स। और किसी के पास टिप्स लेने की ज़रूरत नहीं होगी, अगर 100 टिप्स ले लिया तो यह सेटअप से आप किसी के पास को पैसा खरीदने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, सेटअप है ये बैंक निफ्टी ऑप्शन का। इससे पहले हम थोड़ा रूल्स भी हमें फॉलो करना पड़ेगा, जहां हमें ये सेटअप का उपयोग नहीं करना है वो चीज़ मैं आपको बता देता हूं। मैं अभी कोई बड़ा इवेंट हो, यानी समझो कि फेयर मीटिंग हो, इलेक्शन रिजल्ट हो, वॉर कैन यूज हो, वहां पे हमें ये सेटअप का यूज़ नहीं करना है। और 100 का राउंड फिगर के पास हमें नहीं करना है इस सेटअप का उपयोग, जैसे कि 37,000, 38,000, 39,000। इसमें क्या रहेगा फ्रेंड्स, अगर समझो कि 39,100 और 38,900, हमारा बैंक निफ्टी का क्लोजिंग आया 39,042 पे क्लोजिंग आया है करीबन। तो हमें 39,100 और 38,900 के बीच में हमें इस ट्रेड को, ये सेटअप को ट्रेड नहीं करना है, यानी ऊपर का 100 पॉइंट और नीचे का 100 पॉइंट एंड 200 पॉइंट को हमें छोड़ देना है फ्रेंड्स। ओके, ये हमारा पहला रूल्स है फ्रेंड्स, सेटअप का उपयोग नहीं करना है। तो और दूसरा रूल्स हमारा ये है कि 300 पॉइंट गैप या गैप डाउन एनटी ओपन होती है तो भी ये सेटअप काम नहीं करेगा, फिर भी हमें यह सेटअप को यूज़ नहीं करना है फ्रेंड्स। हमें ये सेटअप कब, कहाँ और कैसे हमें यह सेटअप का यूज़ करना है, आइए वो हम देख लेते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको आने वाली न्यू वीडियो आपको मिलती रहे। फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी का 2 टाइप का चार्ट रहता है, एक स्पॉट चार्ट और एक फ्यूचर चार्ट। तो आपको बैंक निफ्टी का स्पॉट चार्ट ही देखना है। ये सेटअप फ्रेंड्स 9:20 बजे के बाद बनेगा ये सेटअप। ओके, यानी जैसे 9:15 को मार्केट चालू होता है उसके 1-5 मिनट की कैंडल को जाने देना है, उसके बाद हमारा ये सेटअप काम लगेगा। ये सेटअप 5 मिनट या 50 मिनट दोनों में चलेगा ये सेटअप फ्रेंड्स। शुरुआत में पेपर ट्रेडिंग कीजिएगा या एक लॉट से ही ट्रेडिंग करना है आपको। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप इसमें 10 लॉट से स्टार्ट करो या 20 लॉट से स्टार्ट करो या 100 लॉट से स्टार्ट करो। मैं आपको ये कहता हूँ कि आप शुरुआत में पेपर ट्रेडिंग कीजिए, उसके बाद एक लॉट से स्टार्ट करो, तो ये सेफ्टी है फ्रेंड्स। ये सेटअप में आपको 5 मिनट का या 50 मिनट का एक कैंडल जो बनता है उसका हाई या लो ब्रेक होता है तभी हमें ये ट्रेड लेना है।
और फ्रेंड्स थ्रेड हमें कौन सा लेना है, समझो कि 39,200 पे चल रहा है और 30,200 ब्रेक होता है तो हमें 39,200 का कॉल या पुटी बाइक करना है, यानी एकदम मनी कॉल या पुटी लेना है हमें। फ्रेंड्स इस सेटअप का स्टॉप लॉस हमें रखना है 50-70 पॉइंट बैंक निफ्टी स्पॉट का, या फिर फर्स्ट कैंडल जो 5 मिनट की या 50 मिनट की कैंडल जो बनती है उसका हाई या लो रख सकते हैं। सबसे बेस्ट स्टॉप लॉस हमारा यही रहेगा फर्स्ट कैंडल का हाई या लो। फिर इस सेटअप से बैंक निफ्टी स्पॉट का टारगेट रहेगा 50-100+ पॉइंट बैंक निफ्टी का टारगेट मिल सकता है आसानी से। फ्रेंड्स ये मैंने बैकअप में चेक किया है जो मैं आपको लाइव प्रूफ करके भी बताऊंगा, तो आप समझो कि 50 पॉइंट बैंक निफ्टी आप पकड़ लेते हो कि 50 पॉइंट बैंक निफ्टी जाती है और एकदम मनी वाला कॉल या पुट बाई करते हो तो वहाँ पे आपको 15-20 रुपीस मिल ही जाएगा। फ्रेंड्स यानी एक लॉट में आता है फ्रेंड्स 25 क्वांटिटी और 25 क्वांटिटी से आप 20 करोगे तो 500 रुपीस आपको आधे घंटे में मिल जाएगा। फ्रेंड्स ये सेटअप 30-40 मिनट में आपको ये सेटअप काम करना है, शुरुआत की 30-40 मिनट में, या फिर मैक्सिमम पकड़ ले तो 10 बजे तक ये सेटअप काम आ सकता है, लेकिन मैक्सिमम 30-40 मिनट में मिल जाएगा ये सेटअप पे तो ये बढ़िया रहेगा हमारे लिए। ये सेटअप को चार्ट में देखते हैं, इससे पहले मैं आपको एक बार यहाँ पे समझा देता हूँ। फ्रेंड्स समझ लो 50 मिनट या 5 मिनट के ये कैंडल है, उस कैंडल को नेक्स्ट कैंडल डाउन की साइड में ब्रेक होती है तो जैसे ही ब्रेक होती है फ्रेंड्स डाउन का ये, तब हमें इसी कैंडल का हाई का स्टॉप लॉस लगा के पुट बाई करना है। मान लो अगर ये कैंडल 100-200 पॉइंट का बन जाता है तो हमें 50-70 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के हम पुट बाई कर सकते हैं, चाहे ये 5 मिनट की कैंडल हो या फिर 50 मिनट की कैंडल हो। ओके और अगर फ्रेंड्स समझ लो ये 5 मिनट की कैंडल है या 50 मिनट की कैंडल है, उसके हाई को नेक्स्ट कैंडल ब्रेक करता है फ्रेंड्स ये वाला, तो हमें कॉल बाई करना है और स्टॉप लॉस रहेगा हमारा ये फर्स्ट कैंडल का लो का। हो सकता है फ्रेंड्स यहाँ पे सेकंड कैंडल ब्रेक ना करते हुए ऐसा हो सकता है और उसके बाद फ्रेंड्स ये ब्रेक कर दे ऐसे, तो इसका टाइम मैंने आपको क्या बताया है स्टार्टिंग के 30-40 मिनट या फिर मैक्सिमम 10 बजे तक। ओके ये सेटअप मैक्सिमम 10 AM तक ही वैलिड रहेगा मैक्सिमम, लेकिन अगर हमें इस सेटअप का सक्सेस रेट देखना है तो ये सेटअप 30-40 मिनट में मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया रहेगा फ्रेंड्स हमारे लिए। तो आइए देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ चार्ट पे ताकि आपको ये सेटअप से समझने में आसानी होता हो जाए। फ्रेंड्स अगर किसी को टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उससे आप टेलीग्राम ग्रुप में आप जोड़ सकते हो, और अगर किसी को न्यू डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उससे आप न्यू डीमैट अकाउंट ओपन भी कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी के स्पॉट के चार्ट में। फ्रेंड्स ये बैंक निफ्टी का 5 मिनट का स्पॉट का चार्ट है जिसको मैंने पहले से ये मार्क करके रखा है, ये जो स्क्वायर रहेगा रेक्टेंगल पैटर्न जो रेड कलर का है वो मैंने मार्क करके रखा है जो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स ये है 12 अगस्त का 5 मिनट का बैंक निफ्टी का चार्ट। फ्रेंड्स यहाँ पे आप चेक करोगे कि पहले ही कैंडल 5 मिनट की जो बनी है उसका लो मारा है उसने 860 और उसने दूसरी कैंडल ही उस लो को उसने ब्रेक किया और टारगेट मिला हमें। फ्रेंड्स यहाँ पे चेक करोगे तो 38,750 के करीब उसने टारगेट अचीव कर लिया, यानी 100 पॉइंट का मूवमेंट उसको मिल गया। और यहाँ पे देखते हैं हम, देखो 110 के करीब ये पॉइंट हमको मिल गया। अगर आपने यहाँ पे फ्रेंड्स 38,800 का या 38,900 का पुट बाई किया होता तो आपको यहाँ पे 100 पॉइंट के ऊपर 30-40, 30-50 पॉइंट आपको मिल जाता है, यानी एक लॉट इज इक्वल टू 30-40-50 करोगे उतना आपको मिल जाएगा। फ्रेंड्स समझ लो 800 से 1000 रुपीज़,
और ये 9:30 को आप कैलेंडर चेक करोगे यहाँ पे फ्रेंड्स, तो ये 9:30 का ये आप यहाँ पे चेक करोगे फ्रेंड्स, ये वाला लो है जो कितने बजे मारा है उसने लो फ्रेंड्स, टाइम भी दिखा लेता हूँ मैं, आप 9:30 का कैलेंडर देखोगे तो उसका लो है फ्रेंड्स 747। ओके, तो यहाँ पे आपका 100 पॉइंट मिला बैंक निफ्टी स्पॉट का, तो यहाँ पे आप 30 से 40 या 40 से 50 पैसा मनी कमा सकते हो। एक लॉट इज इक्वल टू आप कर लीजिएगा ये कितना आपको मिल जाएगा। ओके, दूसरा हम देख लेते हैं फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बोर्ड बताया था कि गैप ओपन होता है मिनिमम मैक्सिमम 300 पॉइंट, मिनिमम 300 पॉइंट तो आपको ट्रेड नहीं लेना है, लेकिन आप यहाँ पे उसके अगले दिन का कैलेंडर देखोगे 10 अगस्त को तो उसका क्लोजिंग दिखा रहा है हमें 277, और नेक्स्ट देखिए फर्स्ट 5 मिनट की कैलेंडर 11 अगस्त का उसका ओपनिंग हुआ है फ्रेंड्स 739 पे, 38,739 पे। तो यहाँ पे प्राइस रेंज कितना बन रही है फ्रेंड्स, 350 के ऊपर उसने गैप ओपन किया, लेकिन फिर भी यहाँ पे आप चेक करोगे तो ये जो हमने रूल्स बनाए थे कि 300 पॉइंट गैप ओपन होता है मिनिमम, तो हमें इस सेटअप पे काम नहीं करना है, लेकिन आप यहाँ पे चेक करोगे तो ये जो कैंडल बनी है हमारी जिसका हाई मारा है उसने 38,765 के करीब हाई है और उसको ब्रेक किया है 9:40 को फ्रेंड्स यहाँ पे, और ब्रेक करने के बाद उसको टारगेट मिला है फ्रेंड्स 38,886 के करीब उसका टारगेट मिला है। तो यहाँ पे आप चेक करोगे तो कितना पॉइंट की मूवमेंट मिली फ्रेंड्स, गैप ओपन होने के बाद भी 120 पॉइंट का मूवमेंट मिला। अगर ये जो सेटअप बना है उसका 300 गैप ओपन होने के बाद भी यहाँ पे हमें टारगेट अचीव होता हुआ दिख रहा है, लेकिन ये आपके ऊपर मैं छोड़ देता हूँ कि 300 पॉइंट या 400 पॉइंट या 500 पॉइंट गैप ओपन होने के बाद भी आपको ट्रेड करना है या नहीं करना है। ओके, तीसरा सेटअप बना है फ्रेंड्स यहाँ पे आप 10 अगस्त को अगर आप फर्स्ट कैंडल का आप हाई देखोगे तो उसका हाई है 38,345 के करीब, 33,345 के करीब उसका हाई है फ्रेंड्स ये वाला, और उसने वो ब्रेक किया सेकंड कैंडल में, उसने वो टारगेट ब्रेक किया फ्रेंड्स और उस सेकंड कैंडल का हाई आया 38,388 और दूसरे के अंदर का हाई है 38,397। तो आप यहाँ पर चेक करोगे 50 पॉइंट आपको किसी के अंदर में ही मिल गया होगा यहाँ पे, और अगर किसी ने यहाँ पे पैसन रख के चेक करेगा तो भी उसको लॉस नहीं होने वाला फ्रेंड्स इस सेटअप से। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट अगले दिन फ्रेंड्स, यहाँ पे आप चेक करोगे तो ये है 8 अगस्त का चार्ट, यहाँ पे 8 अगस्त का चार्ट के 5 मिनट का आप चेक करोगे कि फर्स्ट कैंडल बना उसके बाद उन्होंने कब उसको ब्रेक किया, 9:40 को उसने ब्रेक किया फ्रेंड्स ये वाला, और ये लेवल के अनुसार है 37,900 का लेवल है समझ लो, तो 37,900 से लेके ये कहाँ तक पहुँचा है फ्रेंड्स यहाँ पे चेक करोगे 38,150, तो उसने कितना पॉइंट के मूवमेंट दिया यहाँ पे आप चेक करोगे ना फ्रेंड्स यहाँ से ये वाला, तो उसको 250 पॉइंट का फ्रेंड्स यहाँ पे मूव मिल गया, और 250 पॉइंट का मूव मिला तो समझ लो आपको 100 से 150 पॉइंट आपको मिल जाएगा फ्रेंड्स अगर एट द मनी आप रहते हो तो, लेकिन मान लो कि आपने उसको यहाँ पे ही आपने उसको निकाल दिया इस पॉइंट पे, फिर भी आपको 167 या 70 पॉइंट जितना मूवमेंट मिला, तो आपको यहाँ पर भी आपको 60 से 70 पॉइंट आपको मिल जाता है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, आइए देखते हैं अगले दिन क्या हुआ, ये चार्ट है फ्रेंड्स चेक करोगे तो 5 अगस्त का ये चार्ट है, और उस चार्ट में 5 मिनट की कैंडल में उसका हाई मारा है 37,885 के करीब उसका हाई है, और उसने इस कैंडल को ब्रेक करने के बाद उसका 9:35 का ये हाई देखते हैं फ्रेंड्स हम, तो उसका हाई है 37,989, तो उसने कितना पॉइंट के मूवमेंट दिया फ्रेंड्स यहाँ पे आप चेक करोगे तो 100 पॉइंट का उसने मूवमेंट दे दिया फ्रेंड्स सुबह सुबह में ही, और आप 37,900 का कॉल बाई करते हैं तो आपको वहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाता है फ्रेंड्स इस सेटअप से। ये देखते हैं अगले दिन क्या हुआ था इस सेटअप पे फ्रेंड्स, ये 4 अगस्त का
5 मिनट का चार्ट है। 4 अगस्त में आप यहाँ पर चेक करोगे तो यहाँ पे जो कैंडल बनी है उस कैंडल का लो मारा है उसने 38,110 और वहाँ से गिरा है फ्रेंड्स। देखो अगर मैंने स्टॉप लॉस आपका बोला था इसी कैंडल का हाई का स्टॉप लॉस या फिर 60 से 70 पॉइंट ओके, तो आप किसी ने इस कैंडल का स्टॉप लॉस रखा होगा तो यहाँ पे उसको बहुत ही बढ़िया मौका मिला होगा 38,100 का पुट लेने के बाद। आप चेक करोगे तो कितना डाउन गया 37,250। अगर आप यहाँ पे चेक करोगे फ्रेंड्स टाइम कितना बजे 11:45 का ये कैंडल बनी है, यहाँ से इसको 850 पॉइंट माय गॉड 850 पॉइंट का मूवमेंट कैचअप हो सकता है फ्रेंड्स इस सेटअप से। देखो ये आप लाइव मैं आपको प्रूफ करके दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पे यहाँ देखोगे तो 840 का मूवमेंट यानी समझ लो कि 500 के 600 पॉइंट आपको मिल जाता है फ्रेंड्स ऐसे सेटअप से। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इस सेटअप का पहले आपसे पेपर ट्रेडिंग करना है या एक लॉट से ही आपको काम करना है। डायरेक्टली सर्वर स्टार्टिंग से आप ज़्यादा लॉट पे मत जाइएगा, सबसे पहले आप कॉन्फिडेंस को आने दीजिएगा, उसके बाद आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हो फ्रेंड्स। ये पूरा जो सेटअप है वो आपके ऊपर निर्भर है कि आप किस तरह से आप सोचते हो, किस तरह से आप उसको ट्रेड करते हो। देखो ये एक है 3 अगस्त का 5 मिनट का चार्ट, उसमें आप चेक करोगे तो उसने ये जो लो बना मारा है फ्रेंड्स 37,170 के करीब उसका लो है यहाँ पे, और उसने ब्रेक किया कितने बजे ब्रेक किया 9:40 को ब्रेक किया, और 9:40 के बाद 9:45 का जो कैंडल है उसका लो कितना है 37,810 के करीब उसका लो है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे उस कितना पॉइंट का मूवमेंट मिला यहाँ से ये वाला 50 पॉइंट का मूवमेंट मिला फ्रेंड्स। तो आप यहाँ पे चेक करोगे कि मिनिमम 50 पॉइंट का मूवमेंट तो मिलता ही है, और अगर समझ लो उसके हाई का स्टॉप लॉस रखोगे तो ये जो 55 पॉइंट का मूवमेंट है ये और भी आपको ज़्यादा मिल सकता है। जैसे कि 176 पॉइंट हमें दिखा रहा है, 170 का मूवमेंट हमें यहाँ पे कैप्चर करने मिल सकता है फ्रेंड्स, लेकिन इसमें थोड़ा स्टॉप लॉस भी थोड़ा बड़ा आ सकता है फ्रेंड्स, तो ये थोड़ा रिस्क भी लेना पड़ता है हमें, और स्टॉप लॉस लगे तो स्टॉप लॉस लगा ही देने का, उसके बाद ये नहीं सोचने का कि अभी आएगा। आप 10 ट्रेड लोगे तो इनमें से 7 से 8 ट्रेड आपके सक्सेस हो सकता है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ये है 2 अगस्त का चार्ट, 2 अगस्त के चार्ट को आप चेक करोगे तो उसका फर्स्ट कैंडल का हाई है फ्रेंड्स 37,811, और उसी 11 को ब्रेक करता है फ्रेंड्स 9:30 की कैंडल, और यहाँ से आप चेक करोगे तो कितना पॉइंट मिला हमें यहाँ पे वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ से इसका ये हमें वर्टिकल ये दिखना है ओके, 74 पॉइंट जैसा हमें दिख रहा है यहाँ पे मिलेगा। 74 अगर कैचअप होता है तो आपका समझ लो 30-40 रुपीस आपको मिल जाता है एक लॉट पे फ्रेंड्स। सबसे पहले इम्पोर्टेंट यही है कि आप अपना कॉन्फिडेंस लाओ, और एक यहाँ पे चेक करते हैं हम। देखो ऐसा नहीं कि यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं लग सकता, स्टॉप लॉस भी लग सकता है फ्रेंड्स। ये है फ्रेंड्स 1 अगस्त का 5 मिनट का चार्ट, 1 अगस्त में आप देखोगे तो उसका लो है 37,475, नेक्स्ट कैंडल का लो मारा है उसने 37,400, और आप यहाँ पे चेक करोगे कि यहाँ पे उसको स्टॉप लॉस मिल गया होगा यहाँ पे ओके, तो ये स्टॉप लॉस हमारा हिट हो गया है। और एक देख लेते हैं फ्रेंड्स ये वाला, जैसे कि 28 जुलाई का चार्ट देखते हैं 5 मिनट का, तो उसका क्लोजिंग दिया है 37,336, और 29 जुलाई को ओपनिंग हुआ है 37,730 के करीब उसका ओपनिंग है। 36 से हम चेक करते हैं तो ये मूवमेंट कितना आया है फ्रेंड्स, तो इसका ओपनिंग हुआ है 730, तब यहाँ पे उसका ओपनिंग यानी 400 पॉइंट का ये मूवमेंट आला। और मैंने आपको क्या बताया था कि ये सेटअप अगर 300 पॉइंट प्लस गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो हमें इस सेटअप पे काम नहीं करना है, लेकिन आप यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पर भी उसने ये काम किया है फ्रेंड्स ओके। फ्रेंड्स इस कैंडल का लो देखो तो 37,650 के करीब लो है, और वहाँ से उसने मारा है फ्रेंड्स कितना लो मारा है यहाँ पे, ये जो रेड कैंडल बन रहा है वहाँ का लो है 37,230। तो यहाँ पे हम देखते हैं ना फ्रेंड्स, तो ये कितना पॉइंट का मूवमेंट मिला फ्रेंड्स, 400 पॉइंट का मूवमेंट मिला फ्रेंड्स।
देखो ये सब चीज़ें हैं ना फ्रेंड्स, हमें एक्सपीरियंस से आती है, डायरेक्टली नहीं आएगी। जब आप प्रैक्टिकली आप करने जाओगे ना, तभी हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और हमें अच्छे खासे ट्रेड मिल जाएंगे फ्रेंड्स। ये हो गया फ्रेंड्स पूरा 5 मिनट की चार्ट में मैंने आपको पूरा दिखा दिया। ओके तो अभी आइए देखते हैं 15 मिनट की चार्ट में क्या सीनेरियो बन रहा है इसी सेटअप से। फ्रेंड्स ये 15 मिनट क्या चार्ट है बैंक निफ्टी का। ओके तो आप यहाँ पर चेक करोगे फ्रेंड्स, जो 5 मिनट का मैंने बताया तो वही मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, इसको मैंने निकाला नहीं है। तो ये हमारा है फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल, कौन सी तारीख का है ये 12 अगस्त का है, और उस कैंडल का लो मारा है 38,777 और नेक्स्ट कैंडल की 38,740 के करीब उसका लो है। तो हम अभी यहाँ पे चेक कर लेते हैं फ्रेंड्स कि कितना पॉइंट का मूवमेंट हमें मिला है फ्रेंड्स इस सेटअप से 15 मिनट की चार्ट में। 36 पॉइंट का मूवमेंट मिला है फ्रेंड्स इस कैंडल के। तो यहाँ पे आप चेक करोगे तो उसका स्टॉप लॉस फ्रेंड्स लग गया है, कौन से 11 बजे उसका स्टॉप लॉस लग गया है फ्रेंड्स। ओके दूसरी अगले दिन का देख लेते हैं फ्रेंड्स, ये 15 मिनट का चार्ट है फ्रेंड्स, कौन सी तारीख को 11 अगस्त को, और उसका हाई मारा है उसने 38,765 के करीब हाई है कि नेक कैंडल ने उसको हाई को ब्रेक किया है और उसने हाई मारा है। यहाँ पे आप चेक करोगे तो उसका हाई है 38,883 यानी 120 पॉइंट का मूवमेंट मिला है फ्रेंड्स 15 मिनट की चार्ट में भी। ये जो आप दिख रहा है ना ये वाला 120 पॉइंट का मूवमेंट मिला है फ्रेंड्स। ओके ये 15 मिनट का मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे 5 मिनट का मैंने आगे दिखा ना वैसे ही मैं 15 मिनट का भी आपको दिखा कि प्रूफ कर रहा हूँ कि 15 मिनट में भी ये सेटअप कैसे काम करता है फ्रेंड्स। वैसे ही 10 अगस्त की चार्ट में आप 15 मिनट की चार्ट देखोगे तो ये 15 मिनट की चार्ट है, यहाँ से ये पूरा कैंडल है। ओके यहाँ पे आप चेक करोगे तो 10 बजे तक उसने ना ही हाई ब्रेक किया ना ही लो ब्रेक किया, तो हमें इस सेटअप पे 15 मिनट पे अभी कोई ट्रेड नहीं मिला फ्रेंड्स 10 अगस्त को। ये सेटअप आया उसका 8 अगस्त का 15 मिनट की चार्ट में। आप चेक करोगे फ्रेंड्स यहाँ पे तो उसका हाई है फ्रेंड्स 37,900 के करीब हाई है उसने वहाँ से मारा, यहाँ पे समझ लो 15 मिनट की चार्ट में ये बहुत बड़ा टारगेट मिला है फ्रेंड्स। यहाँ पे 15 मिनट की चार्ट में देखो लगातार ऊपर जा रहा है, लेकिन हम समझ लो कि यहाँ पे हम नहीं, लेकिन यहाँ पे हम उसको निकाल लेते हैं तो करीबन 200 पॉइंट मिला फ्रेंड्स यहाँ पे हमें, और 200 पॉइंट मीन्स यानी 80 से 90 पॉइंट आपको मिल जाएगा। और अगर किसी के पैसा रहेगा कॉन्फिडेंस रहेगा तो उसको यहाँ पे नहीं, वो डायरेक्टली यहाँ पे निकालेगा, तो 400 पॉइंट का यहाँ पे मूवमेंट दिख रहा है हमें 15 मिनट की चार्ट में। तो यहाँ पे आपको समझ लो कि 150 से 200 पॉइंट मिल जाएगा फ्रेंड्स, मिनिमम बोल रहा हूँ मैं। ओके वन लॉट पे आपको क्या करना है, पहले सबसे पहले पेपर ट्रेडिंग करना है और उसके बाद वन लॉट पे स्टार्ट करना है, और जैसे ही आपको 100 ट्रेड आपके कंप्लीट हो जाए मिनिमम आपको 100 ट्रेड लेना है, जैसे कि मैंने आप एक ही सेटअप पे, तभी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और एक सेटअप पे अगर आपको ऐसा लगता है कि ये सेटअप मेरे लिए है तो उसी सेटअप पे आप काम कर सकते हो ऑल टाइम। 100 ट्रेड लोगे तो 100 में से आपका 15 से 20 ट्रेड तो स्टॉप लॉस लग ही जाएंगे फ्रेंड्स, तो आपको 80 से 90 ट्रेड आपका सक्सेस हो सकता है फ्रेंड्स, लेकिन ये आपको प्रैक्टिकली करके देखना पड़ेगा तभी आपको पता चलेगा। ओके यहाँ पे आप देखते हैं फ्रेंड्स, सॉरी इसको मैं थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ, ये है 15 मिनट का चार्ट, ये उसका हाई, कौन सा डेट का है ये 5 अगस्त का चार्ट है 15 मिनट का। ओके तो उसके लो मारा यहाँ पे सेकंड के अंदर ने उसको ये उसके हाई को ब्रेक किया है 37,950 के करीब। तो यहाँ पे आप चेक करोगे, यहाँ पे घुसोगे तो उसका हाई यहाँ पे आप चेक करोगे तो 200 पॉइंट आपको मिला बैंक निफ्टी का स्पॉट में। ओके और उसका स्टॉप लॉस मैंने कितना बोला था आपको 60 से 70 पॉइंट या फिर इसी कैंडल का लो या हाई। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस तो हिट नहीं हुआ, लेकिन हमारा टारगेट यहाँ पे हिट हो गया, तो यानी 200 पॉइंट का मूवमेंट मिला, यानी आपको समझ लो कि 80 से 90 पॉइंट आपको मिल गया बैंक निफ्टी में कॉल में। और ये है हमारा कौन सी डेट का है, ये 4 अगस्त का है, 4 अगस्त का इसका लो ये है, सेकंड कैंडल ने उसके लो को ब्रेक किया, लेकिन यहाँ पे थोड़ा पैसन भी रखना पड़ता है फ्रेंड्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्टॉप लॉस हमारा मैंने बोला था हाई या लो, तो यहाँ पे ये वाला स्टॉप लॉस आएगा 38,232 और उसका लो कितना है फ्रेंड्स 38,100 के करीब लो है, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस थोड़ा बढ़ गया हमारा करीबन 150 करीब पॉइंट के करीब। लेकिन आप यहाँ पे चेक करोगे तो उसने थर्ड कैंडल मारा है वो कितना मारा है 38,170 पे उसका, यानी 100 पॉइंट का ये स्टॉप लॉस मिला यहाँ पे फ्रेंड्स। और यहाँ पे आप चेक करोगे तो डाउन कितना गया फ्रेंड्स, जो 5 मिनट की चार्ट में मैंने आपको बताया था ना वो, इसको हम अभी देख लेते हैं 15 मिनट की चार्ट में। तो यहाँ से आप चेक करोगे, यहाँ से उसका लो है ये वाला, सॉरी ये वाला ओके
तो वो कितना आएगा फ्रेंड्स यहाँ पे देखते हैं हम, तो उसका टारगेट आएगा 800 पॉइंट, यानी 2% का मूवमेंट मिला है फ्रेंड्स 15 मिनट की चार्ट में। 800 पॉइंट यानी समझ लो कि 40 से 50 पॉइंट भी हमको मिल जाता है, यानी 800 का 400 पॉइंट भी हमें मिल सकता है इस सेटअप से। यानी 10,000 एक लॉट पे अगर आप चेक करोगे, 25×400 करोगे तो 10,000 एक लॉट पे आप कमा सकते हो इस सेटअप से। वैसे ही देख लेते हैं हम फ्रेंड्स कौन सी डेट आई है, तो अगस्त में मैंने ये लगाया है 5 मिनट का नहीं लेकिन 50 मिनट का चार्ट है, और ये कैंडल का लो कितना है फ्रेंड्स यहाँ पे चेक करते हैं हम, तो उस कैंडल का लो है फ्रेंड्स 37,867, और उसने वहाँ से लो मारा है फ्रेंड्स कितना 37,689.90 के करीब उसका लो है, और यहाँ से आप डाउन साइड में चेक करोगे तो 176 यानी 170 पॉइंट आपको मिला फ्रेंड्स यहाँ पर भी 15 मिनट की चार्ट में भी। तो इससे क्या होता है प्रूफ कि ये 5 मिनट में भी काम चल करता है और 15 मिनट में भी ये सेटअप काम करता है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स यहाँ पर भी एक बार देख लेते हैं फ्रेंड्स, वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, ये आधा घंटे का वीडियो हो गया है फ्रेंड्स। ये 2 अगस्त का 15 मिनट का चार्ट है फ्रेंड्स निफ्टी में, इस कैंडल का हाई है उसका 37,811, और यहाँ पे चेक करोगे तो इस कैंडल का हाई है 37,885। तो मैंने आपको बहुत बताया था कि मिनिमम 50 पॉइंट मिलेगा, तो यहाँ पे आप चेक करोगे यहाँ पे 74 पॉइंट मिला आपको यहाँ पे निफ्टी के 50 मिनट के चार्ट में। फ्रेंड्स एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि सेटअप तो बहुत सारे हैं लेकिन इस सेटअप पे हमें बार बार प्रैक्टिस करना पड़ता है तभी हम सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स तो आशा करता हूँ ये सेटअप आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।